मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सिंह आज आपको क्लास नाइन्थ का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3। कल आपको क्वेश्चन नंबर 5-8 बताया गया, लास्ट क्वेश्चन अभी आपका बाकी है, उसको आप मैं समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। क्लासीफाइड क्वेश्चन है, क्लासीफाइड फॉलोइंग नंबर्स है रेशनल आर इरेशनल। ये आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। सबसे पहली चीज आप एक जान लीजिए, इरेशनल होता क्या है। इरेशनल अंडर रूट में रहेगा, कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर जिसका न निकले वो इरेशनल होता है, या टर्मिनेटिंग जो न हो और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। सो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अंडर रूट 2/√23, ए कंप्लीट स्क्वायर रूट है, नहीं निकल सकता इसका कंप्लीट। तब आप क्या करेंगे, इसे क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। ये क्या है, इरेशनल। अंडर रूट 225, ए कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाएगा इसका 15, इसलिए यह क्या है, रेशनल। ये आप देखिए 0.3796, ये आपका डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब यह यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड हो गया है पॉइंट के बाद फोर्थ प्लेस पर, इसलिए ये भी आपका क्या है, रेशनल नंबर। फिर आप यहाँ पे आएंगे, जहाँ भी डॉट डॉट लगा रहता है इसका मतलब इसको इनफाइनाइट तक आप डिवाइड करते जाएंगे, कुछ न कुछ हमेशा आपका रिमाइंडर बचता रहेगा। इस कंडीशन में एक क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो सो ये क्या है, इरेशनल नंबर। सेम यहाँ पे देखिए 1.101, 1001, 1001, ऐसे ही ये बढ़ते जाएंगे, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो क्या होगा, ये इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ आपको, आज बात भी मैं आपको बता दूँ कि इरेशनल नंबर वह होगा जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट न निकले, जिसका जो न तो टर्मिनेटिंग हो और न ही रिपीटिंग हो, तो ऐसे नंबर फ्रैक्शन को या ऐसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो देखो बच्चों, इरेशनल नंबर कौन कौन है इसमें, ए आपका है और ए आपका है, ये इरेशनल है। ये आपका क्या है, इरेशनल है। कॉपी में आप इसको नोट कर लेंगे, पहले आप इसको लिखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 23, फिर आप लिखेंगे इरेशनल, बिकॉज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपी में। अब आइए आप एक्सरसाइज 1.4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आपने सिंपल नंबर्स 4, 5, 6 या सिंपल फ्रैक्शन 1/2, 1/3, 1/5, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जान गए थे। अब आपका जो आए 1.4 में आया है, ये आपका डेसिमल फॉर्म में नंबर्स होंगे, उनको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाते हुए आप केयरफुली उसको देखिए, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, आपको मैं एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे 4.26
4.26 है, इसे आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले बात 4.26 आपको बोला है कि फोर्थ प्लेस तक आपको निकालना है। इसके ऊपर बार का चिन्ह है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 26 बार बार रिपीट हो रहा है। तो 4.26 ऐसे ऐसे निकल रहा है, अभी चार पे निकालना है, डेसिमल के फोर स्थान तक हमने इसको लिख लिया। समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है ना सबको? अब इसके बाद हम नंबर लाइन बनाएंगे, देखेंगे कि यह 4.2626 पहले देखेंगे 4.2 यह किसके बीच में है, किस नंबर के बीच में है। तो हम देखेंगे यह 4 और 5 के बीच में है, 4.2 है कि नहीं। नंबर 4 और 5 के बीच में देखो कहीं है 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ऐसे देखेंगे, 4.9 उसके बाद 5। क्लियर? अब यहाँ पे कहाँ पे स्थित है 4.2, कहाँ पे रिप्रेजेंट है? यहाँ पे देखो 4.2 रिप्रेजेंट है, कहाँ पे रिप्रेजेंट है? यहाँ पे। ठीक, अब आपको करना क्या है, 4.2 के बाद क्या है 6। तो आप देखेंगे 4.6 किस नंबर के बीच में है। तो आप देखेंगे 4.2 और 4.3 3 जब हो जाएगा इसका मतलब इससे ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में ये कहीं पे होगा। तो 4.2, 4.3 ऐसे ही 4.29 तक हमने लिखा। अब देखिए 4.26 है कहाँ इसमें, तो आप देखेंगे 4.21, 22, 23, 24, 25 एंड 26 ये आपका यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट है कि नहीं 4.26। अब आपको देखना है 4.262 कहाँ पे है, तो आप देखेंगे 4.26, 4.26 और 4.27 के बीच में होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4.27 से कम है। देखो 4.26, 4.261, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और जैसे ही 10 होगा तो 4.26 की जगह हो जाएगा 7। तो 4.26 और 4.27 के बीच में कहीं नंबर होगा। अब आप देखिए कहाँ पे है 4.262, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पे है। ठीक, अब आगे बढ़िए, अब देखेंगे 4.2626 इसका मतलब 4.2626 कहाँ पे होगा 4.262 और 3 के बीच में ही कहीं 26 होगा। समझ में आ रहा है ना बात? तो देखिए 2621 2623 ऐसे ही 2629 के पास जैसे ही कहना आएगा ये टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका नंबर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपका नंबर लाइन यही भी आपका हुआ। ठीक, अब एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे 4.2626 इसको ऐसे फोर्थ प्लेस तक लिख लेंगे। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 4.2 कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 4.2 आपका 4 और 5 के बीच में कहीं पर होगा 4.2। तो 4 के बाद 4.1 ऐसे ही 4.9 तक लिखें, फिर आपका 5 हो गया। तो 4.2 आप देखेंगे यहाँ पर रिप्रेजेंट है, उसको आप सर्किल बना दिए। फिर उसके बाद 4.26 अब एक प्लेस आगे जाइए 4.26 कहाँ होगा 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं होगा। तो 4.21 के बाद 1, 2, 3, 6 ऐसे 9 तक आप जाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा 4.3 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि 4. इसमें कहाँ है 26 यहाँ पे है, ऐसे ही आप एक मत होइएगा कि 4.3 के बीच
बड़ा होगा 4.3 से नहीं बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा? जब तक ये 9 के बाद जाएगा तो डेसिमल के पहले वाला स्थान हम देखते हैं, तो 4.2 और 4.3 जब आ जाएगा तो 4 इन सब से वो बड़ा हो जाएगा। कहे को पहले का मतलब 4.26 4.3 के बीच में होगा। क्लियर? सेम वैसे ही आप देखेंगे अब इसके बाद 4.262 2 के पहले वाला नंबर 6, इसका मतलब 4.26 और एक ज्यादा 4.27 के बीच में होगा। मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, फिर से एक बार समझ लीजिए। जैसे यहां पे आ गया 4.262 तो आप यहां क्या लिखेंगे 4.262 ही लिखेंगे, लेकिन उसके बाद एक ज्यादा। जब 6 आपको ढूंढना है ना, देखो 4.262 आप आ गए तो उसको पहले लिखिए, फिर उसके बाद एक प्लस कर दीजिए पॉइंट में, फिर 4.262 में जब 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.263 हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट पॉइंट के बाद जो सबसे लास्ट में पहले यहाँ पे है यूनिट है उसी में आप प्लस 1 कर दीजिए। ठीक, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो बस यही समझ लीजिए कि जो भी आपको यहाँ नंबर मिलेगा एक वही रह जाएगा, दूसरा लास्ट यूनिट में प्लस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसके बीच में फिलअप करना है तो 262 है, तो एक बार इसके आगे 1, फिर उसके आगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जैसे होगा वो 2 का 3 हो जाता है। ठीक, अब देख लीजिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे रिजल्ट हो गया। आज आपको बस यही तक, आपको आज एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कराया गया, 1.4 भी आज आपका कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसमें मात्र 2 क्वेश्चन थे, नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, एक मैंने आपको जो टफ था बता दिया, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक है उसको आप घर पे करेंगे, वो आपका होमवर्क होगा और इसको आप काफी नोट कर लीजिएगा। होमवर्क में आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप घर पे कर लेंगे, यहाँ तक आप काफी कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.5 नेक्स्ट डे आपको बताया जाएगा, और आप सभी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक नहीं खरीदे हो तो बुक कर लीजिए, बुक 2 चलेगा, एक NCERT चलेगा, दूसरा HP बुक चलेगा आर्यस अग्रवाल, और प्लीज़ आप लोग आके यहाँ पे एडमिशन कराइए और ऑनलाइन क्लासेस चलने में कोई असुविधा जिसे कोई असुविधा ना हो और आप भी इसका समुचित उपयोग कर सकें। थैंक यू।